हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको इस चैप्टर में ना मतलब जो भी है आपका किताब में लिखा हुआ एकदम वेल प्रिपेयर्ड मतलब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये आपको हेल्प करेगा कि आपको मतलब एक घंटे में किस तरीके से अपने चैप्टर को रिविज़न करना है। ठीक है, चलिए नोट्स भी हम यहीं से देख लेंगे कि क्या क्या है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल क्या है पहली बात तो ये, तो जो भी आपके केमिकल जो भी पीरियडिक टेबल में जो लिखा हुआ रहता है उसको हम बोलेंगे केमिकल्स बोल देंगे। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब आपका केमिकल के फॉर्म में रहेगा। वो किस तरीके से रिएक्शंस करेगा और उसके इक्वेशन हमको किस तरीके से लिखने हैं वो हम इस चैप्टर में आपके डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, आपने कोई स्टार्टिंग में कोई केमिकल रखा, उसने रिएक्शन करके अब एक नया कोई केमिकल बना देगा। जैसे समझो H2 + O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने का बना देगा H2O। तो H2O जो है रहेगा ना उसका प्रॉपर्टीज सेम मतलब डिफरेंट रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपने रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करवाया, ये सबसे एकदम अलग प्रॉपर्टीज़ रहेगी H2O की। तो एक नया प्रोडक्ट अगर आपका फॉर्मेशन कर रहा है तो वो सब चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है ना, कभी भी एक नया प्रोडक्ट आपका बनता नहीं है। जैसे आपने क्या किया, पेप्सी जैसे पीते हैं ना उसको कैन बोलते हैं हम, तो कैन को लिया और उसको ना आपने मतलब क्रश करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे कभी भी आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये सब किस कौन से चेंज में आ जाएंगे, आपके फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। जैसे आपने एक ग्लास लिया, ग्लास कांच, और उसको आपने क्या किया, पहले ग्लास था पूरा आपके पास, आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद भी वो ग्लास का ग्लास ही रहेगा। कोई भी एक नया प्रोडक्ट बना के आपका नहीं बना, तो ये सब चेंजेस कहाँ पर आ जाएंगे, आपके फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। और केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, वो रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन करेगा इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो आपके पास जो भी चीज़ आपको दिख रहा था ना, वो एक वहाँ से एक नया चीज़ बनने वाला है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैसा है, गैस है, ऑक्सीजन कैसा है, गैस है। अब H2O जो बन गया ना, ये आपके किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और इसका प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये सबको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको मेनली केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखो एक आपके पास एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम के ना रिबन लेकर आए हैं, और इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बर्नर जो है बर्नर से हम इसको हीट करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन लाया मतलब Mg, इसने रिएक्शन किया किसके साथ, O2 के साथ, ये रिबन, ये ठीक है O2 के साथ। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखो ये पाउडर बनकर ना यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम जो था ना, ये आपका मेटल था, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, आपका एक पाउडर है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक नया चीज़ बन रहा है आपका। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये रिएक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, देखो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स वंस विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम्स। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है, यहाँ पर वर्ड व्हाइट फ्लेम्स एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर, ये आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपका पाउडर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन हो चुका है ना, तो ये यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो चार चीज़ें निकल कर आती है, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया या फिर गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं सॉलिड से, मतलब समझ रहे, क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आपका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। दूसरा पॉइंट है आपका चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाएगा। जैसे पहले रेड कलर का था, आपने रिएक्शन किया उसका ब्लू कलर हो गया आपका, तो हम क्या बोलेंगे इसका कलर कैसा हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा है कि कोई गैस आपका रिलीज कर जाएगा, आप मतलब कोई ऐसा रिएक्शन करवाए जहाँ से कोई गैस आपका रिलीज कर गया, तो वो भी किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है टेकन प्लेस, मतलब केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, चलो आगे बढ़ते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ठीक है, तो इस तरीके के अगर हम चेंजेस देखेंगे ना, तो हमारे आसपास के नज़र आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो उन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक के ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट लेकर आए हमने जिंक के, छोटे छोटे पार्ट इसलिए करते ताकि उनका उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, सर्फेस एरिया बढ़ने के कारण वो ईजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, तो जिंक को लेकर आए, इसमें हमने डाल दिया किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक कोनिकल फ्लास्क में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ से बना देता है ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट का,
और यहाँ से ना हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो आपका रिलीज हुआ यहाँ से हमको दिख जाएगा, और हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हो रहा है कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। और अगर कहीं कोई कोई भी केमिकल रिएक्शंस में से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो हम उसको भी क्या बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस। तो जो आपके केमिकल है उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल आपको बताया था आपके पीरियोडिक टेबल में जितना भी दिख रहा है सबके सब कैसे हैं आपके केमिकल्स हैं, सोडियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल में। चलो अब उसमें हमने पहला कौन सा लिया है, मैग्नीशियम को, क्योंकि हम ये रिएक्शन ऊपर वाला जो रिएक्शन है ना इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम था आपके पास, उसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये जो इधर साइड में लिखे हुए रहेंगे उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो बीच में प्लस साइन लगाया जाता है, ये जैसे यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रही आपके रिएक्टेंट है, और ये आपका बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स रहते हैं और राइट हैंड साइड में क्या रहते हैं आपके, प्रोडक्ट रहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में दो रिएक्टेंट के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे बिटवीन देम, ठीक है। चलो वो प्रोडक्ट बन गया। अब राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, अब लिखेंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को, तो दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर आप ये लिख रहे हो पूरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया, आपके काम का आएगा वर्ड इक्वेशन, नहीं आपके काम का वर्ड इक्वेशन नहीं है, आपके काम में है एलिमेंट वाले फॉर्म में, मतलब इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। अब नेचर में मैग्नीशियम देखो एम जी के फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे ना तो ऑक्सीजन आपको हमेशा ओ टू के फॉर्म में मिलेगा, कभी भी वो फ्री फॉर्म में, ओ के फॉर्म में कभी भी नहीं मिलता है। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं ना तो नेचर में जिस फॉर्म में मिलेगा आपको वो उस फॉर्म में लिखना पड़ता है, या फिर जो जिस फॉर्म में स्टेबल होता है ना उस फॉर्म में लिखना पड़ता है। आप सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन को ओ करके नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी ओ के फॉर्म में आपको मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ टू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एम जी प्लस ओ टू आपस में रिएक्शन करके क्या बना देगा आपका, एम जी ओ। क्या बना देगा आपका, एम जी ओ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इस तरीके से, एम जी ओ। अब रिएक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है ना कि उसको ना बैलेंस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको ना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपको फिर हम क्या करेंगे बाद में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे लिखेगा, यहाँ पर हमको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या परफॉर्म कर रहा है आपका, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या कर रहे हैं हम, यहाँ लिखे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या प्रोड्यू, ये क्या कर रहा है आपका, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसको, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, मतलब आपको लिखना ही नहीं है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, आपको किस फॉर्म में लिखना है, उसके एलिमेंट या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, जिंक को क्या लिखेंगे, ZN, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है आपका H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। आपको रिएक्शन ये देखना नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है, ये आपको पहले से लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से रिएक्शन हो गया है, ठीक है। इसके आगे आने वाले चैप्टर में आप परफॉर्म करोगे कि मतलब जब रिएक्टेंट क्या रखा हुआ रहेगा तो क्या बनेगा आपका, अभी आपको सिंपली ये रिएक्शन को, मतलब ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसको बस एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में लिखना है। तो ये एलिमेंट हो गया जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, आपस में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और यहाँ से क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। तो कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है वहाँ से जहाँ पर बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको यहीं पर दिख रहा है, ZnSO4 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले क्या करो आप ना, इसको ना आप क्या करो, पहले इस तरीके से लिख लेना है आपको एलिमेंट कौन कौन से है। तो यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लिख लिया। नंबर उसका नंबर, जैसे यहाँ पे जिंक का नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, सल्फर का नंबर कितना है 1, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4। पहले आपको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में, दोनों साइड में नंबर जो है दोनों का सेम है, और दोनों का नंबर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। प्रोडक्ट वाले साइड में भी देख लो, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, सल्फर कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, जिंक कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब अगर आप रिएक्टेंट साइड को देखो, प्रोडक्ट साइड को देखो, दोनों साइड में अगर आपको दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं तो रिएक्शन आपका बैलेंस है। अब इसलिए इसको बैलेंस नहीं किए। अब हम नीचे चलते हैं दूसरे वाले रिएक्शन पे। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, Fe+H2O gives Fe3O4+H2। अब यहाँ पर पहले चार्ट बनाएंगे इस तरीके से। अभी चार्ट में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट वाले साइड का नंबर लिख रहे हैं, तो Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ये लिख दिया हमने। और इधर वाले साइड में आयरन कितना है 3,
ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। अभी नंबर को देखो, कोई एक भी नंबर डिफरेंट रहा ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कोई एक भी नंबर डिफरेंट रहा ना तो ये समझ जाना कि आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर दो दो एलिमेंट है जो स्टार्टिंग में ही कैसे आपका अनबैलेंस्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी आप बैलेंस करोगे तो देखो आप किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, लेकिन हमेशा ये रूल ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले उसको देखना पड़ता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, टोटल कितने हो गए आपके पास 7। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, ठीक है, 7 एटम प्रेजेंट है। अब वही यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो Fe के पास तो एक ही एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो 3 एटम प्रेजेंट है। तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो रिएक्टेंट में एक को पकड़ना है, प्रोडक्ट में एक को पकड़ना है। तो दोनों पकड़ा गया आपके पास, प्रोडक्ट वाले में किसको पकड़ना है Fe3O4 को, और यहाँ पे किसको पकड़ना है H2O को। अब इसमें भी स्टार्ट कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे देखो ये दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, तो कौन कॉमन है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो आपको ना फिर ऐसा लिखना पड़ेगा टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को पहले देख लो, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ये रहा, और इधर साइड में किसके पास है H2O के पास, ये दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, तो आपको दिखेगा ऑक्सीजन कॉमन है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, जैसे आप ऑक्सीजन का बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो 4 है, तो यहाँ लिखा हुआ इन प्रोडक्ट 4 है, तो रिएक्टेड वाले साइड में किसके पास है H2O के पास है, और सिर्फ एक ही है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 × 4 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब ये लिख करने के बाद आपने चेंज कहाँ पे किया है, बस H2O की जगह पर आपका 4 × H2O आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया आपने, देखो Fe+4 × H2O गिव्स Fe3O4+H2, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जैसे आपने इसको बैलेंस किया तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हो गए 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा कि हम हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, ये वाले साइड में, प्रोडक्ट वाले साइड में। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देखो 2 है H2 के पास, और यहाँ पे कितना है 8, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर आएगा आपका Fe+4 × H2O गिव्स Fe3O4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 × H2। बैलेंस समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बस ये आपको बनाना है इस तरीके से, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल टू बैलेंस, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, इधर में प्रोडक्ट वाले साइड में। तो जहाँ पे ज़्यादा रहता है उसको वैसे का वैसे रहने देना, जहाँ पर कम है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये दोनों नंबर कैसे हो जाए आपके सेम हो जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर हम लिख देंगे 4। वीडियो अगर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो आप क्या करना ना उसको स्लो वाले रेट पर चला के देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, दोनों बैलेंस हो गए आपके पास, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा आयरन। अब यहाँ पर आयरन कितना है 3, यहाँ पर आयरन कितना है 1, तो समझ में आ रहा है ये वाले साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से वही कॉलम बनाओगे आप, एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या करोगे आप, Fe था यहाँ पे 1 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे तो आपका सेम ही है, और 3 से जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आप 3 लिख दो, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 3 Fe+4 × H2O गिव्स Fe3O4+4 × H2, तो ये ऐसा ऐसा लिख दिया हमने, तो बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। आखिरी में इस रिएक्शन को फिर ब्रैकेट में से बाहर निकालना, ऐसा दिख जाएगा आपको, स्टेप नंबर 6 है वो। अब स्टेप नंबर 7 में क्या करना है ना, इसका आपको सिंबल फिजिकल स्टेट लिखना है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, वही कौन सॉलिड रहेगा, कौन लिक्विड रहेगा, कौन गैस रहेगा आपका। तो आयरन जो है ना, ये आपका आयरन, ये मेटल है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, इसको लिखेंगे S। यहाँ पर जो H2O जो है आपका, ये गैस के फॉर्म में रहता है। Fe3O4 ये भी आपका सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, उसका ऑक्साइड बनता है, मतलब ये रस्टिंग वस्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और H2 क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये क्या आपका गैस है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब, जैसे यहाँ पर H2O ये लिक्विड में भी रहता है और गैस में भी रहता है, तो अगर इस तरीके के प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वहाँ पर वो कुछ बता के देगा आपको, और नहीं बता के देगा तो आप अपने हिसाब से लिक्विड भी लिख, मतलब आपको लिखना है लिक्विड भी लिख सकते हो, गैस भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ आपको पढ़ना है क्या, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, चलो यही सब बताया गया है। अब आ जाओ यहाँ पे, रिएक्शन अब आपका हो गया पूरा फुल फॉर्म में बैलेंस्ड, और हमने उसका क्या लिखा है, फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव। अब देखो, कभी कभी कोई रिएक्शन को कन्वर्ट करवाने में क्या होता है ना, आपको कुछ प्रेशर देना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, या फिर कुछ कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे वो रिएक्शन फास्ट हो जाए और रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। आप ऐसे समझो, कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो और उसको समझ लो लग रहा है 10 दिन लग रहा है,
कंप्लीट होने में लग रहा है 10 दिन, और आप चाहते हो कि वो रिएक्शन ना बस 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो 1 घंटे में कंप्लीट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें करवाना पड़ता है। या तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या तो प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कैटलिस्ट कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन देखो, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, CH3OH बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा परफॉर्म होता नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 340 ATM, ताकि ये दोनों पार्टिकल आपस में रिएक्शन करके इसको बना दें। ठीक है, अभी एक ये नीचे रिएक्शन दिख रहा होगा, CO2 + H2O, ये क्या बन रहा है, बना रहा है आपका ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, और H2O वाटर बना रहा है आपका। ठीक है, अभी इस केस में भी वैसा ही आपस में रिएक्शन करेगा नहीं, तो इसको जो सनलाइट जो होती है, सनलाइट के थ्रू एनर्जी मिलती है, तब जाकर ये दोनों पार्टिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग दिस स्टेप कैन बी बैलेंस, तो क्या आप बैलेंस कर सकते हो 1.2 को, तो करेंगे 1.2 को तो करेंगे। ठीक है, अब ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हो। देखो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो क्या होता है ना, मैग्नीशियम ना एक आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण मैग्नीशियम के ऊपर में ना ऑक्सीजन का ना एक लेयर चढ़ जाएगा आपका। ठीक है, एक लेयर चढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है कि जब आप उसको बर्न करोगे ना, तो वो मैग्नीशियम ना होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वहाँ पर, लेकिन हम बर्न किसको करेंगे, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना, तो मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना, तो इसलिए क्या होता है ना कि आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सरफेस पे पहुंच गया आपका, सरफेस पे अभी क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, अगर आप एयर के साथ रिएक्शन परफॉर्म करोगे उसका। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा क्लीन कर देते हैं। जैसे ही आप क्लीन करोगे तो ऊपर का जो ऑक्साइड का लेयर है वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद मैग्नीशियम का, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ना होकर वो मैग्नीशियम बन जाएगा, और एक बार मैग्नीशियम बन गया तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा उसको आपको। और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो H2 + Cl2, ये क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बैलेंस के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको देखो, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO43, बेरियम सल्फेट हो जाता है आपका BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाता है AlCl3। अब इसको बता दिया हूँ, आप इसको देख के बैलेंस कर लीजिएगा। सोडियम क्या हो जाता है आपका, Na, वाटर क्या हो जाता है आपका, H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है आपका, NaOH, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, H2O। अब ये रिएक्शन एकदम सिंपल है, करवा दिया हूँ आपको, बता दिया हूँ आपको किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। और यहाँ पे देखो, बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका, BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अब इसको आप लिख लीजिएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये रिएक्टेड वाले साइड में रहेंगे आपके, और ये दोनों जो रहेंगे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये आपके राइट हैंड साइड वाले रहेंगे पोर्शन में रहेंगे। अभी देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है किसको, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को, और वाटर मतलब H2O को। ठीक है, चलो ये पूरा आपको बता दिया हूँ किस तरीके से आपको एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सिंपल टॉपिक है, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं। तो टोटल आपको 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ना है। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी दो कंपाउंड को आप इस तरीके से कंबाइन कर दोगे ना, तो इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया H2O के साथ, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो बना देंगे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, स्लेक्ट लाइम, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ये सब पेपर में आता है। ठीक है, तो CaOH2 को क्या बोलेंगे, स्लेक्ट लाइम, और CaO को हम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। और ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक मेरे को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पर भी एक दो और रिएक्शन दिया हुआ है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, दो रिएक्टेंट है कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये देखो H2 + O2 क्या बन गया, H2O,
ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना एक और रिएक्शन आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज करते हैं, जब ये मतलब ये दोनों एलिमेंट जब आपके कंबाइन हो रहे होंगे ना, तो ये तो बन रहा है आपका, और साथ ही साथ ना ये बनने के बाद ये हीट को भी रिलीज करता है। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है या फिर इवोल्यूशन होता है हीट का, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया, मतलब CO2 बनने के साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज करेगा, हीट भी रिलीज करेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखो ये CH4, ये आपका नेचुरल गैस है, इसका अगर O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ से हीट निकलता है, जो हीट निकलता है उसी से तो हम अपने व्हीकल्स को रन करवा देते हैं। आपने सुना ना ये नेचुरल गैस को, अभी हम इसमें ऑटो में देखना, वो ग्रीन कलर का लगा हुआ रहता है सिलेंडर टाइप, तो उसको उसमें हम डालते हैं, ठीक है। अब उसे डालने से क्या होगा, ये दोनों तो बनेगा ही, और साथ ही साथ क्या निकलेगा आपका, एनर्जी जो निकलेगा उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, उस व्हीकल को रन करवा देते हैं, ठीक है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। अब इसमें देखो, इसमें आंसर क्या लिखना है आपको, ड्यूरिंग डाइजेशन, जब आप डाइजेशन करोगे तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेज में, सिंपलर मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस में आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब कंटेन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। ये जो आप देख रहे हो, राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, ब्रेड हो गया, ये किसको कंटेन करता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स को। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे ही आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपके छोटे छोटे पार्ट में पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने होने के बाद ये फिर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज। क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन होता है हमारे ऑक्सीजन के साथ, मतलब हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ये ग्लूकोज आपका कंबाइन हो जाएगा, और वो प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी, और इसी स्पेशल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। जैसे यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में याद रखो, ये आपका देखो, आपने जो भी खाया, जैसे ये खाया, राइस खाया, पोटैटो खाया और ब्रेड खाया, इसमें क्या प्रेजेंट था आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ब्रेक डाउन होकर क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज बना आपका, ये आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है सेल्स के अंदर, ये उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है, और CO2, H2O, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है आपका, एनर्जी। ये जो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, इसी से हम अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आपको बोलेगा एक्सप्लेन करो रेस्पिरेशन एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको मैंने जैसे बताया ना, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये सब जो रहता है इसके पास क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज अपने बॉडी में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके CO2, H2O और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये जो एनर्जी जो दिख रहा है आपको, यही क्या करेगा, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वो ये सभी किसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो जो डिकम्पोजिशन जो हो जाता है ना आपका वेजिटेबल का, वो भी क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके ये भी कैसा हो जाएगा आपका, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो तीन रिएक्शन आप ध्यान में रखिएगा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, और तीसरा क्या है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका, ये पूरा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक लार्ज कंपाउंड रहता है, जैसे कि ये आपका FeSO4, एक बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा FeSO4, और इसमें आप हीट करोगे, ये मॉलिक्यूल को जब आप हीट करोगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ये इस पार्ट में ब्रेक हो जाएगा आपका। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक रहेगा रिएक्टेंट, ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं यहाँ पर देखो एक और दिखा रहा हूँ, CaCO3, इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन। इस पर भी अगर आप हीट करोगे तो क्या बना देगा आपका, CaO बना देगा, और साथ ही साथ क्या बना देगा आपका, CO2 बना देगा, ठीक है। CaCO3 को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और जो ये जो रहता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये SO2 और SO3 कैसे आपके गैसेस है। तो पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेगा, यहाँ पे देखो लिखते हैं, ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन दिस रिएक्शन, ये यहाँ से लिखेगा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू ए
ब्रेकडाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोला गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये रहा आपका लूज वाटर वैन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये लाइम स्टोन होता है, ये बना देगा आपका सी ओ क्यू क्लाइम बोलेंगे इसको, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका सी ओ टू, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो एक टी स्ट्यूब होल्डर रखा है, बॉइलिंग ट्यूब रखा है, लीड नाइट्रेट रखा है, बर्नर रखा है, तो हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट मतलब पी बी एन ओ थ्री टू को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो पी बी ओ बनेगा और एन ओ टू बनेगा, ये रहा पी बी ओ बनेगा, एन ओ टू बनेगा और ओ टू बनेगा, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, क्योंकि एक देखो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आपका ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस जो निकलता है आपका, ब्राउन फ्यूम्स जो निकलता है एन ओ टू का, यहाँ से देख रहे हो ना, ये जो दिख रहा है आपका ब्राउन फ्यूम्स, ये किसका रहता है आपका, एन ओ टू का रहता है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें भी ना थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जैसे डिकम्पोजिशन हम बोल रहे हैं ना, तो अगर आप हीट के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। वैन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, समझ में ना, मतलब इसको ये वाला लार्ज मॉलिक्यूल था, इसको ब्रेक करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हीट का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल दिया गया है, ठीक है। और भी एक दो तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं, तो वहाँ पर हमने थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ लिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है समझ लो AgCl, उसको सनलाइट के थ्रू हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, और ये आपका छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl2 में, ठीक है। रिएक्शन का बैलेंस कर दीजिएगा Ag प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको Cl2 में, तो यहाँ पर लाइट के थ्रू ये डिकम्पोजिशन हुआ है आपका, तो ये भी रिएक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिकम्पोजिशन ही होगा, लेकिन ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जहाँ पर आप हीट इन्वॉल्व रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है आपका, सनलाइट, ठीक है। चलो ये फोटोग्राफी में भी काम आता है आपका, पहले जमाने में जो फोटोग्राफी जो था ना आपका, ये वाले रिएक्शन से काम करते थे उसमें। चलो एक ये सिल्वर ब्रोमाइड का भी देख लो, ए जी बी आर है, सनलाइट दे दोगे तो ए जी प्लस और बी आर टू में आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, राजा उजा के जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, अभी नहीं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या जो आपका रिएक्शन से ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल है ना, तो उसको एनर्जी देके आपको ब्रेक डाउन कर देना है। अब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दो, सनलाइट के फॉर्म में दो, किसी के भी फॉर्म में दो, बस आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में भी दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दोगे तो इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंस। यहाँ तक समझ में आया। और ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी को लेंगे ब्रेक डाउन होने के लिए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, और यहाँ पर हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी रिएक्शन जो हीट को लेंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना, यहाँ पर आपके पास ना दो मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखो Fe है और यहाँ पे कौन सा है आपका कॉपर, ये दोनों में एक एक जो मेटल रहेगा ना, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है दूसरे वाले मेटल से। मतलब यहाँ पर जो आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है कॉपर से, तो आयरन क्या करता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये खुद मतलब देखो Fe प्रेजेंट है, Cu प्रेजेंट है, अब SO4 किसके साथ चिपका हुआ है, कॉपर के साथ, तो आयरन जो रहेगा ना इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि आयरन जो है ये SO4 के साथ जाएगा। आयरन किसके साथ जाएगा आपका, SO4 के साथ, तो Fe SO4 के साथ गया तो क्या बना दिया आपका Fe SO4, और यहाँ से Cu बाहर निकल जाएगा Cu के फॉर्म में। इतना ही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को जिसकी रिएक्टिविटी कम रहती है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ देखो, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया कुछ समझ में, ठीक है। तो क्या करेगा ये, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर एक और रिएक्शन दिया हुआ है, देखो जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक जो रहेगा इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जेड एन क्या करेगा एस फोर को लेकर चले जाएगा, बना देगा जेड एन एस फोर और ये सी यू खाली हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखो पी बी है, सी यू सी एल टू है, तो पी बी क्या करेगा सी एल के साथ रिएक्शन करेगा, बना देगा पी बी सी एल टू और यहाँ से सी यू जो रहेगा आपका ये फ्री फॉर्म में ऐसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा देखो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव मेटल्स देन कॉपर, सही बात है, ये दोनों कैसे यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसलिए वो डिस्प्लेस करवा देते हैं किसको, कॉपर को, उसके कंपाउंड में से या फिर उसके सॉल्ट में से। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है, यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट में भी दो रहेगा, प्रोडक्ट में भी दो रहेगा, और एक मेटल रहेगा ना वो फ्री फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो आयरन फ्री फॉर्म में और यहाँ पे कौन फ्री फॉर्म में कॉपर, वैसे यहाँ पर भी देखो जिंक है, यहाँ पर भी देखो दो मेटल है जिंक कॉपर, यहाँ पर भी देखो जिंक कॉपर दो मेटल है, और ये जो जिंक है यहाँ पे फ्री फॉर्म में और यहाँ पे कॉपर फ्री फॉर्म में है। अगर इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दूसरा रिएक्शन है जिसको हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो मेटल रहेगा और दोनों सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो वहाँ पर फ्री फॉर्म में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पर फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, वो दोनों के दोनों अपने सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे। तो Na2SO4 ये एक अलग है, BaCl2 ये भी देखो उसके सॉल्ट के फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होता है ना, Na के पास SO4 है, Ba के पास क्या है Cl, ये एक्सचेंज कर लेंगे, Na चले जाएगा Cl के साथ, Ba चल जाएगा SO4 के साथ, तो Na गया Cl के साथ तो क्या बना देगा आपका NaCl, और Ba चल जाएगा SO4 के साथ तो क्या बना देगा आपका BaSO4। ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है ना, किसी ना किसी एक चीज़ का आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये जो रहेगा ना आपका एक्वस है, ये भी देखो क्या है आपका एक्वस, एक्वस मतलब ये ना ये लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे आपके पास, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब जैसे ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो ये बनेगा, ये बनेगा, अब इसमें कोई एक जो रहेगा ना वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं, ये अब सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका नीचे में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है एस, इसका मतलब क्या है, बेरियम सल्फेट जो इस सॉल्यूशन में बना वो कैसा बनेगा आपका, सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, और सॉलिड के फॉर्म में बन गया तो सॉलिड कैसा रहता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण क्या करेगा वो ऐसा नीचे में आपका, नीचे में आपको ना इस तरीके से दिखेगा, नीचे में दिखेगा आपको एकदम। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नीचे में दिख रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, क्या बोल देते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन को बनाएंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझा क्या बोला, देखो आपने Na2SO4 को लिया, BaCl2 को लिया, दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दिया, ये रिएक्शन आपका इस तरीके से होगा कि बेरियम क्या करेगा SO4 को लेकर चले जाएगा। ठीक है, देखो बेरियम के पास Cl है तो Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, Na के पास SO4 है तो SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो देखो NaCl बनाएगा और BaSO4 बनाएगा, ये दोनों में से जो ये जो दोनों जो आपके पास बन रहे हैं दोनों में से एक जो रहेगा ना वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट कर जाएगा का मतलब क्या है, वो सॉलिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड बन जाएगा। तो BaSO4 क्या बन गया आपका, सॉलिड। और जैसे ही जो भी चीज़ आपका सॉलिड बन जाएगा वो नीचे में जाकर क्या करेगा आपको ऐसा दिखना, ऑब्जर्व हो जाएगा ये। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है मैक्सिमम टाइम, तो ये आपको ना ऐसा नीचे में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपका नीचे में अगर ऐसा बैठना स्टार्ट कर गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को बनाएंगे उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेट ए वाइट सब्सटेंस, पता है ना आपको ये जो बनेगा ना ये वाइट सब्सटेंस बनता है आपका, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, बोल सकते हो क्योंकि सॉलिड है, तो सॉलिड कैसा है वो आपका इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा, तभी तो ये नीचे में जाके बैठेगा आपका। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो पूछेगा आपको व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो आपको ये लिखना पड़ता, ये लिखना पड़ेगा, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, और वो कैसा रहेगा, एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेसिपिटेट, और एनी रिएक्शन जो प्रोड्यूस करेगा प्रेसिपिटेट को उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोबारा से बोल रहा हूँ, देखो प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, और एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर आपको पूछा गया है पेपर में, तो ये सब आते भी है। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी देखो दो मेटल है और दोनों अपने सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर भी देखो दोनों मेटल है, दोनों भी कैसे आपके सॉल्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर देखो एक एलिमेंट, ये एक मेटल जो था फ्री फॉर्म में था, यहाँ पर भी एक मेटल क्या था फ्री फॉर्म में था, यहाँ पर फ्री फॉर्म में है क्या आपका, नहीं, यहाँ पर आपका कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बोला भी गया देखो, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ये
द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, क्योंकि आपका वो तो पानी मतलब वो ये आपका कॉमन सॉल्ट है और सॉल्ट आपको पता होगा वो आपका वाटर में आपका डिजॉल्व हो जाता है, तो NaCl जो बना वो तो डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन बेरियम सल्फेट जो बना वो डिजॉल्व होगा कि आपका नहीं, वो आपका सॉलिड के फॉर्म में रहता है। सच रिएक्शन इन विच देर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बताया आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि आयंस का क्या असर हो जाता है आपका एक्सचेंज हो जाता है, मतलब SO4 ये लेके जाएगा बेरियम को और Cl किसको लेके जाएगा सोडियम को, तो एक्सचेंज हो रहा है किसका आयंस का, बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, उसको ये हम क्या बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका आखिरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी रिएक्शन या फिर ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन से रिलेट करके हो गया आपका, जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन देखो Cu+O2, तो पहले कॉपर देखो फ्री फॉर्म में था, अब यहाँ पर देखो कॉपर को क्या मिल गया है ऑक्सीजन मिल गया है, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है कॉपर का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपका कॉपर का हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया इसलिए कॉपर का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। चलो अब यहाँ पे देखो, और ये जो ऑक्सीजन जो है ना इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है Cu+H2 और यहाँ पे हीट कर दिए थे, क्या बन गया आपका Cu+H2 बन गया। अब यहाँ पे देखो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर ने यहाँ पर देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन है क्या नहीं है, मतलब कॉपर ने अपने ऑक्सीजन को निकाल दिया है, तो ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन अगर आपका निकल गया तो क्या बोलोगे आप रिडक्शन, तो यहाँ पे CuO का रिडक्शन हो रहा है और ये CuO से क्या बन रहा है आपका Cu बन रहा है। वही अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो H2 को देखो, पहले H2 के फॉर्म में था, अब इसमें देखो यहाँ पर H2O बन गया, मतलब H2 में क्या ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन जो है ये H2 जो है इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, H2 का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये आपको मैं बता दूँ कभी भी कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, अगर आप एक चीज़ पे कंफर्म हो गए कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा वाला चीज़ हमेशा रिडक्शन ही होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कॉपर को बोल दिया था ना कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो H2 का कंफर्म है फिर ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑन द ये वाला जो रहेगा आपका रिवर्स रिएक्शन दिखा देगा, मतलब Cu+H2 ऐसा बना देगा। चलो छोड़ो, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। तो कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन निकल गया उसको हम क्या बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर, इसके बारे में बताया गया है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग ऑक्सीडाइज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे यहाँ पर देखो कॉपर का क्या हो रहा है CuO का क्या हो रहा है रिडक्शन, CuO का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो देखो रिडक्शन का हमने क्या ले लिया RED और ऑक्सीडेशन का हमने क्या ले लिया OX, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा कन्फर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो गया, ऐसा नहीं होता, अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। ठीक है, और रिडक्शन का हमने क्या उठा के ले लिया RED, ऑक्सीडेशन का क्या उठा के ले लिया हमने OX, है ना आपका, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, लेकिन इतना लंबा नाम नहीं बोलेंगे हम, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोल देते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन, और ये नाम हम जनरली इस्तेमाल करते नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हम क्या बोल देते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी हो रहा होगा ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे उसको रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ लिखा हुआ देखो, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction, such reactions are called redox reaction। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, यह रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ZnO है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास ऑक्सीजन, जिंक के पास ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखो जिंक ने अपने ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब जिंक का क्या हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन आपका निकल रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे जिंक का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का देखो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी कैसा रिएक्शन है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जेड एन ओ का रिडक्शन होकर जेड एन बन गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर सी ओ बन गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो एम एन ओ टू, मैग्नीस के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन था, बाद में देखो मैग्नीस के पास से ऑक्सीजन निकल गए हैं, तो मैग्नीस का ये जो एम एन ओ टू है इसका क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीस का यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, ये जो सी एल जो है ना, सी एल का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सी एल का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो सी एल के पास क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अब सी एल ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है हाइड्रोजन को, तो इसलिए सी एल का क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते हैं, समझ में आना। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी, अगर आप एक चीज़ पे कंफर्म हो गए ना कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे वाले का बोल देने का है ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक का अगर रिडक्शन हो गया तो दूसरे का फिर ऑक्सीडेशन होगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है ये वाला रिएक्शन देखो 1.32। अब इसमें ना मतलब कुछ दूसरे तरीके से हम चेक करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है, एच सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू, वेयर एज एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन सी एल टू। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहाँ पर ना हम हाइड्रोजन से चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को अगर उसने ऐड किया तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ऐड किया तो, और हाइड्रोजन को रिमूव किया वो भी क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो सी एल के पास पहले हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन को देखो रिमूव करवा दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। समझ में ना, अगर कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो भी क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। दो तरीके से हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में दिया रहेगा ऑक्सीजन के फॉर्म में चेक कर लो, हाइड्रोजन के फॉर्म में दिया रहेगा हाइड्रोजन के फॉर्म में चेक कर लो। तो हम यहाँ पर किसके फॉर्म में चेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन के फॉर्म में चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ये नीचे के जो पार्ट है ये आपके कैंसिल ही है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको साथ क्लास में करवा दिया है। ठीक है, और अगर पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो भी कमेंट करना, और वीडियो में कोई अच्छा आपको लग रहा होगा कि और थोड़ा सा अच्छे से इस ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती थी तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें कोशिश करूंगा कि ये सब प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।